बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी क्या है, तो आज की वीडियो में मैं आपको सैलरी बताऊंगा, और मगर उससे पहले मैं आपको अपनी लाइफ दिखाऊंगा और आप बताना है कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तो गाइज, मैं काम करता हूँ एक मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज में सबसे जरूरी चीज होती है कि आप आने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को सारी चीजें अच्छे से पढ़ाएं ताकि फ्यूचर में वो अच्छे डॉक्टर बन सके। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करूँ और अपने केसेस का एग्जाम्पल देकर उनको चीजों की इंपॉर्टेंस समझाऊं। उसके बाद 5 वार्ड है जहां पर मेरे पेशेंट रहते हैं। नंबर 1 ICU, नंबर 2 मेल सर्जरी वार्ड, नंबर 3 फीमेल सर्जरी वार्ड, नंबर 4 इमरजेंसी, नंबर 5 पीडियाट्रिक वार्ड। और यहाँ मेरा काम होता है कि जितने भी पेशेंट मेरे अंडर में एडमिट हो उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, साथ साथ जिन भी जूनियर डॉक्टर की पोस्टिंग मेरे साथ लगती है उनको मैं पेशेंट देखना सिखा सकूं, उनको मैं सर्जरी करना सिखा। और आप तो जानते ही हो कि मैं ओटी के साथ साथ डेली ओपीडी भी करता हूं, और रोज करीब 35 से 40 पेशेंट मेरे को दिखाने के लिए आते हैं। इस सब बिजी शेड्यूल में अगर कोई फैमिली फंक्शन होता है तो उसको भी मैं जरूर अटेंड करता हूं। एंड यू नो, अब तो जिंदगी में एक नया मेहमान है, तो अगर उसकी कोई जरूरत है तो उसको भी मुझे ही पूरा करना है। तो आप बताओ, इस सब काम को देखकर मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए?